नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले उत्तर प्रदेश पंचायती राज पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे और फॉर्म को कहां जमा करना है इसकी जानकारी भी आपको देंगे। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं इसमें जो भर्ती निकली है इसकी जानकारी आपको बता देते हैं। तो ये फॉर्म 18 मई से शुरू होगा और 3 जून इसकी अंतिम तिथि है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑफलाइन होगी। आवेदन कहाँ जमा करना है ये भी बताएंगे। कोई भी शुल्क जो है निर्धारित नहीं है। उम्र की सीमा 18 से 40 साल है। कुल जो है 2783 पद जो है इसमें निर्धारित है। क्लास 10 प्लस 2 यानी कि इंटरमीडिएट मांगा है और साथ ही साथ आप जो है उस पंचायत से रिलेटेड होने चाहिए। और जो बता दें इसको जो है सबसे पहले आपको हम इसका फॉर्म दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं फॉर्म अभी डाउनलोड हो रहा है। तब तक आपको एक वेबसाइट और बता देते हैं जिसमें भी ये फॉर्म आपको मिल जाएगा और तमाम तरीके के अन्य ऑफलाइन फॉर्म के लिए आपको ये वेबसाइट जरूर बुकमार्क सेव कर लेनी चाहिए rozgarrizult.com। जी हाँ दोस्तों, इस पे ऑफलाइन फॉर्म की सबसे अधिक जानकारी उपलब्ध रहती है, क्योंकि sarkarrizult.com पे कुछ प्रमुख ही फॉर्म रहते हैं जिसकी ऑफलाइन जानकारी आपको मिलती है। लेकिन अगर आप जो है rozgarrizult.com खोलेंगे तो आपको यहाँ पे अधिकतर जो है ऑफलाइन फॉर्म की जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए दोस्तों अपना फॉर्म देखते हैं। फॉर्म डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। डाउनलोड फॉर्म का भी है, डाउनलोड नोटिफिकेशन है। अगर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट अपने ब्लॉक में वैकेंसी की जानकारी चाहिए तो आपको यहाँ क्लिक करना है। तो ये भी आपको हम क्लिक करते हैं तो हमारा सब कुछ डाउनलोड जैसे ही होता है तो हम आपको बताएंगे फिर फॉर्म कैसे भरना है। दोस्तों देख सकते हैं फॉर्म हमारा डाउनलोड हो चुका है। ऊपर लिखा हुआ है पंचायत सहायक कम डाटा कम अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो यहाँ पे आपको जो फॉर्म भरना है तो फॉर्म आपको कैसे भरना है ये हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक फोटो लगानी है। फॉर्म का आपको एक प्रिंटआउट निकालना है। प्रिंटआउट निकालने के बाद उसको हिंदी में जो है भरना है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हिंदी भरना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी फोटो लगानी है। फोटो जो है ब्लर मत लगाइएगा, फोटो का बैकग्राउंड कोशिश कीजिएगा लाइट हो। उसके बाद हम यहाँ पे आपको फॉर्म भरना बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक ले लेते हैं मार्कर। दोस्तों मैं आपको ये फॉर्म कंप्यूटर पर भर के दिखा रहा हूँ लेकिन आपको इसको पेपर और पेन से ही भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी ग्राम पंचायत का नाम डाल देना है। तो मैं यहाँ पे अपनी जो आपकी ग्राम पंचायत है, मान लीजिए पंचायत आपकी जो है बिरवा है तो बिरवा डाल दीजिए। यहाँ पे आपको विकास खंड लिख देना है। यहाँ विकास खंड आपको जो भी है वो विकास खंड आपको लिख देना है। और यहाँ पे आपको अपना जनपद लिख देना है, जो भी जनपद आपका हो जनपद डाल देना है। मैं इसको अंग्रेजी में भर रहा हूँ क्योंकि मेरे कंप्यूटर में हिंदी नहीं है, लेकिन आपको इसको हिंदी में भरना है। यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है, नाम वगैरह सब आपको जो है हिंदी में ही भरना है। तो मैं यहाँ पे नाम डाल दे रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम डालना है, मैं अपने पिता का नाम डाल दे रहा हूँ। नेक्स्ट आपको अपनी माता का नाम डालना है, माता का नाम डाल दीजिए। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ में ध्यान रखना है आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके हाई स्कूल यानी क्लास 10th के अनुसार होनी चाहिए कि आपकी उम्र जो है कितनी हुई है ये आपको डालना है। तो यहाँ पे मैं अपनी उम्र डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछा है 1 जुलाई 2021 यानी इसमें जो 1 जुलाई 2021 से मांगा है उसमें आपकी उम्र जो है कितने साल, मान लीजिए 28 साल हुए और यहाँ पे कितने महीना और कितने दिन हुए। तो यहाँ पे आपको दिन डाल देना है, 28 वर्ष यहाँ पे 0 वर्ष कर देते हैं और यहाँ पे दिन डाल देते हैं। यहाँ पे आपको जन्म तिथि में जो है इस तरीके से मत भरिएगा, मैं आपको बताता हूँ। जन्म तिथि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जैसे मान लीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 अगस्त 1988, तो मैं यहाँ पे दिन डाल दिया है। और यहाँ पे आपको जो है डालना है, अगर आपको इसको निकालना है कि एज आप कैसे कैलकुलेट करें तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि एज आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने गूगल पे लिखा एज कैलकुलेटर, ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत तरीके के एज कैलकुलेटर मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे इसमें से एक एज कैलकुलेटर खोल लेते हैं। यहाँ पे हम अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बताया 18 अगस्त 1988 और यहाँ पे जो मांगा है वो मांगा है 1 जुलाई 2021 से। तो यहाँ पे हम इसको जुलाई करेंगे, यहाँ पे 1 करेंगे और इसको यहाँ पे 2021 करेंगे। उसके बाद जैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आ गई मेरी उम्र 32 साल 10 महीना और 14 दिन। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम जो वर्ष में जो है यहाँ पे जो है 32 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है महीने में जो है हम यहाँ पे 32 साल हमारा जो था, मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ, 10 महीना और 14 दिन। तो यहाँ पे हम जो इसको यहाँ पे 10 कर देंगे। आपको मैंने कैलकुलेट करना इसीलिए बता दिया है, यहाँ पे 10 लिख देंगे और यहाँ दिन में जो है 14 लिख देंगे। इसको मैं काट देता हूँ और यहाँ पे जो है 14 लिख देंगे आप, ये देखिए 14 हो गया। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको अपना जेंडर लिख देना है, मेल फीमेल जो भी है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी लिख देनी है, जनरल ओबीसी। और यहाँ पे आगे बढ़ने वाले यहाँ पे आपको स्थायी पता यानी जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको डाल देना है। तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देता हूँ। और यहाँ पे कोशिश कीजिएगा अगर आप थाना वगैरह भी लिख सकते हैं, तहसील लिख सकते हैं तो जरूर लिखिएगा। थाना लिख दीजिए, तहसील लिख दीजिए। तो इसमें आपको पता इस तरह लिखना, आपने अपना एड्रेस डाल दिया, फिर जो आपने थाना लिख दिया, फिर आप जो अपनी तहसील डाल दिया, अगर आपको ब्लॉक पता है ब्लॉक डाल दिया, फिर आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट डाल दी, नेक्स्ट आप जो है पिन कोड डाल दिए। इस तरीके से आप जो अपना एड्रेस दोनों भरिएगा। नीचे आपको लोकल भरना है, ऊपर आपको स्थाई भरना है। या नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है। तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एक डेमो भर दे रहा हूँ। थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे
यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन बननी है, तो यहाँ पे आपको बता दें सबसे पहले आपको जो क्लास 10th यानी कि हाई स्कूल बननी है, तो हाई स्कूल में आपका जो भी बोर्ड है उस बोर्ड का नाम लिख देना है। यहाँ पे आपके जो जो सब्जेक्ट है, मान लीजिए हिंदी इंग्लिश, तो जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट है उस तरीके से आपको जो है लिख देना है, साइंस सोशल साइंस। यहाँ पे आपको पूर्णांक डालना है, यानी कि आपको कितना नंबर जो है आपको जो पूर्णांक था वो कितना नंबर का, जैसे हाई स्कूल में यूपी बोर्ड 600 नंबर का होता है, यहाँ पे आपको कितना नंबर मिला है वो डाल देना है। यहाँ पे डिवीजन आपकी कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो डाल देना है। और यहाँ पे जितना भी आपका परसेंटेज आए वो आपको परसेंटेज जो है डाल देना है, परसेंटेज वाइज तरीके का चिन्ह लगा देना है। सेम वही प्रोसीजर करना है आपको इंटर में भी, इंटर में भी आपको इसी तरह बोर्ड का नाम, विषय, पूर्णांक, प्राप्तांक लिखना है। ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप ग्रेजुएशन लिख सकते हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी है इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे बोर्ड का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम जो भी है डाल सकते हैं। यहाँ पे पूछा अनुभव, अगर आपका कुछ अनुभव है, मान लीजिए आपका 5 साल का अनुभव है, 2 साल का अनुभव, जो भी अनुभव है वो आप जो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 ईयर्स, और उसका डिटेल्स भी दे सकते हैं। यहाँ पे दिया है मृत व्यक्ति के वरिष्ठ के रूप में आवेदन किया जा रहा है, क्या आपका कोई COVID-19 से मृत है जिसके एवज में आप आवेदन कर रहे हैं, तो उनका यहाँ पे आपको यस और नो लिखना है। अगर आपका यस है तो यहाँ पे उनका नाम लिखना है, अगर आपका नो है तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे नो कर देना, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बनना है तो छोड़ देना है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखेंगे मृतक वाला, आपको कुछ भी छोड़ देना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। थोड़ा सा नीचे यहाँ पे इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, अगर आपका यहाँ पे नहीं है तो, अगर आपका हाँ है तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको भरनी है। और यहाँ पे आपको नीचे देख सकते हैं एंटीजन RT-PCR रिपोर्ट संलग्न करनी है, इसको भी आपको छोड़ देना है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है, तारीख डालनी है, फिर आपको सिग्नेचर करना है, तारीख डालनी है। अब आते हैं सबसे प्रमुख सवाल पे, आपको उसको सबमिट कहाँ करना है, तो उसको आपको सबमिट करना है, आप इसको जो है सबमिट कर सकते हैं अपनी ग्राम पंचायत के ऑफिस में, विकास खंड कार्यालय में, या तो डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज कार्यालय में। इन तीन में से आप किसी भी जगह जो है आप इसको सबमिट कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। मैं आपको जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट भी जो है दिखा दूँ, जो मैंने नहीं दिखाई थी, ये देख सकते हैं लिस्ट जो है आपके जनपद, आपके ब्लॉक, आपकी ग्राम पंचायत में कहाँ सीट है कहाँ नहीं है, इसको आप देख सकते हैं। तो जैसे मैंने आगरा डाला तो आप आगरा में देख सकते हैं 13 सीट है कुल, जैसे 13 जनपद 13 दे रहा तो कुल 13 सीट है, कहाँ कहाँ सीट है सब दिख रहा है। जैसे ब्लॉक में ब्लॉक डालना है, ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत डालना है, इसी तरह आप देख सकते हैं यूपी के पूरे 75 जिले की लिस्ट जो है यहाँ पे है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ ये लिंक आपको sarkarirezult.com और rozgarrezult.com पर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।